नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, हमने नंदुरबार के करीब 1.25 लाख गरीबों को दिए पक्के घर। चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, सोशल मीडिया पर दी देशवासियों को बधाई। दिल्ली शराब घोटाला में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत। इलेक्शन कमीशन ने की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान की आलोचना, वोटिंग प्रतिशत के डेटा में देरी पर उठाए थे सवाल। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले राहुल गांधी, यूपी में बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही है। अयोध्या में अक्षय तृतीया के मौके पर रामलला को लगाया गया विशेष भोग। दिल्ली शराब नीति के कविता की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अमृतपाल सिंह की ओर से उनके रिश्तेदार ने खडूर साहिब लोकसभा सीट से किया नामांकन। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 को आजीवन कारावास, 3 आरोपी बरी। बीसीसीआई ने शुरू की टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश, टी20 वर्ल्ड कप तक है राहुल द्रविड का कार्यकाल। मणिशंकर अय्यर पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गुजरात में पुलिस का बड़ा खुलासा, स्कूलों में मिले धमकी भरे ईमेल में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। पीओके में महंगाई को लेकर प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।